सन 1956 में 52 यात्रियों के साथ एक फ्लाइट जर्मनी से ब्राजील की ओर उड़ान भरती है। 18 घंटे का ये सफर था, लेकिन महीनों निकल गए, वो फ्लाइट कभी लैंड ही नहीं हुई। लोगों ने मान लिया था कि नीला आसमान उस फ्लाइट को निगल चुका है या फिर ओशन में डूब चुकी है। उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर उसका कुछ अता पता ही नहीं चला। उसके बाद में फाइल्स पूरी तरह से बंद कर दी गई, उसकी कभी कोई जानकारी ही नहीं मिली। लेकिन उसके 35 साल बाद जो हुआ वो आपको सुनना चाहिए। ठीक 35 साल बाद 1989 में वही फ्लाइट ब्राजील के एक एयरपोर्ट पे लैंड करती है। वहाँ की ऑथोरिटीज ने पायलट से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला। उसके बाद कुछ लोग उस फ्लाइट पे चढ़े, लेकिन उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। सिर्फ उन 52 लोगों के कंकाल कुर्सी की पेटियों के साथ बंधे हुए थे। जब वो कॉकपिट की तरफ भागे तो पायलट के भी कंकाल ही बंधे हुए थे। अब सवाल ये है कि अगर पायलट के भी कंकाल ही बंधे हुए थे तो वो फ्लाइट लैंड कैसे हुई? विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन काफी ऐसी चीजें हैं जिसकी विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं है।